हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स। आज की ये वीडियो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की, और माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में खास क्या है आइए आपको दिखाता हूँ। देखिए यहाँ पर देख सकते हैं ये रिकॉर्ड्स मेरे पास पड़े हुए हैं। अब इसमें नेम है, सब्जेक्ट का नाम है, सब्जेक्ट 1 2 3 4 5 है, 6 है, और यहाँ पर टोटल किया गया है फॉर्मूला लगा करके। तो अभी हमको करना क्या है, यहाँ पर वही चीज़ हमने नीचे लिख दिया है, और यहाँ पर अगर मैं वीलगप लगाता हूँ तो ये देखिए वीलगप कुछ ऐसे तरीके से लगाते हैं, बहुत सिंपल है। यहाँ पर हम इसको ले लिया हमने, कॉमा देंगे और पूरा टेबल एरे सेलेक्ट कर लेंगे, तो ये टेबल एरे हमारा हो गया, कॉमा देंगे। अब मान लीजिए हमको टोटल को सर्च करना है, ठीक, तो टोटल कौन से कॉलम में है, ये पहला है, दूसरा है, तीसरा है, चौथा है, पांचवा है, छठा है, सातवां है, और ये आठवां है। तो कुल मिलाकर ये तय हुआ कि ये आठवें कॉलम में है, तो यहाँ पे 8 लिख देंगे, कॉमा देंगे, कॉमा देने के बाद यहाँ पर एग्जैक्ट मैच के लिए 0 देते हैं, बंद करेंगे ब्रैकेट को और एंटर प्रेस करेंगे। यहाँ पर हमें एनए एरर मिल रहा है, ठीक है, देख सकते हैं ये एनए एरर आ रहा है, ठीक है। लेकिन ये एनए एरर क्यों आ रहा है, प्रॉब्लम है, हमने फॉर्मूला तो बिल्कुल सही लगाया, लेकिन ये एनए एरर यानी नॉट एप्लीकेबल वाला एरर आया क्यों? हो सकता है कि जो हमने यहाँ पर डेटा लिखा हो इसमें कुछ गैप आ गया हो आगे, देखिए ये गैप आया हुआ है, ये देख ही सकते हैं आप, तो इसके कारण आपको एनए एरर मिलती है। तो अभी आपको करना क्या है, अभी आपको एक फॉर्मूला यूज करना है ट्रिम का, जो कि काट छाट करने का काम करता है। तो यहां पे लगा दीजिए ट्रिम कुछ इस तरीके से, और इस ब्रैकेट को कर दीजिए क्लोज यहां पर, ठीक है। अब ये क्लोज करने के बाद आपको एंटर प्रेस करना है, और फिर देखिए ये जादू हो जाएगा, बहुत ही आसानी से आपका आंसर आ जाएगा। यानी अमित का टोटल पहले मैं आपको दिखा देना चाहता हूं, ये देखिए अमित का टोटल क्या है, ये है अमित, और यहां पर इनका टोटल है 342। तो अगर मैं एंटर प्रेस करता हूं तो यहां 342 हमें मिलता है, देख सकते हैं कोई दिक्कत नहीं है, ये देखिए ये 342 आया हुआ है। तो ये बहुत इजी है, ट्रिम का यूज करके आप जो स्पेसेस होते हैं उनको रिड्यूस कर सकते हैं बहुत ही इजीली। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो आपसे शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।